तो कैसे आपको नहीं लगता कि रजत दलाल के 1 मिलियन होने के बाद बकचोदी करने के लेवल थोड़े से बढ़ चुके हैं बेंचोद? क्या कहते हो, कर दूं क्या जैक भाई से इसको पेलने की रिक्वेस्ट? भाई आजकल इस रजत दलाल को लग रहा कि ये इस दुनिया का पापा है पापा, लेकिन भाई इसको कोई समझाओ, इस दुनिया का पापा एक ही है, जैक भाई। जैक भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? जैक भाई जब मैं पागलों जैसे बात क्यों कर रहा हूँ? तो गाइस बहुत हो गई बकचोदी, आज हम करेंगे रजत दलाल को रोस्ट, वो भी तेल लगा के। अभी रिसेंटली एक बच्चे ने रजत दलाल के खिलाफ एक रील अपलोड करी थी कि इस बंदे का चेहरा मुझे जिम में देखना पड़ता है, ऐसे कुछ तो रील का टॉपिक था, ठीक है। लेकिन भाई रजत भाई को आ गया गुस्सा, रजत भाई गए इस बच्चे के घर पे उसको पीटने तक बात नहीं खत्म होती। रजत दलाल ने उस बच्चे के साथ टॉर्चर किया, जैसे कि भाई उस पर पेशाब किया। बातें मुझे बोलने में भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन भाई और उस बच्चे से टॉयलेट भी साफ करा। रजत भाई तुम इतने बड़े बदमाश हो, तो तुम्हारी राजवीर से गांड क्यों फटी? हाँ, क्यों कर दी तुमने सॉल्व वो लड़ाई? हाँ, उससे लड़ा नहीं जा रहा, उससे नहीं लड़ा जा रहा, बहनचोद बच्चों को मार रहे हैं। ये थी पहली कंट्रोवर्सी। दूसरी कंट्रोवर्सी में क्या हुआ, इसने ओवर स्पीडिंग करी, वो भी थार लेकर। भाई पोर्शे थी तो समझ सकते थे, लेकिन पोर्शे से याद आया भाई, अगर इसने ओवर स्पीडिंग के दौरान किसी को उड़ा दिया होता तो भाई यार इसको तो निबंध लिखने भी नहीं आता। जैसा कि सबको प्रॉमिस करा था कि तगड़े क्लासेस में 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री के लेक्चर हमारे चैनल से डिलीवर होंगे। ये क्या देख रहा हूँ मैं बेंचोत, ये तो पढ़ा लिखा भी है फिर भी ऐसे बकचोदी करे जा रहा है। इसको भाई खुले में मत छोड़ो, इस सांड को तबेले में रखो। तबेला मतलब मेंटल हॉस्पिटल।